बिहार में इंटरमीडिएट टॉपर घोटाला माफिया बच्चा राय के राजनीतिक गलियारों से संबंधों को लेकर जो तस्वीरें सामने आई थी वो बिल्कुल सच साबित हो रही हैं। लालू प्रसाद यादव के करीबी होने का मास्टरमाइंड बच्चा राय को लेकर सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। ये खुलासा पिछले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर है, जब खुद ही बच्चा राय ने मीडिया से कहा था कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने टिकट देने का भरोसा दिया है। बच्चा राय ने कहा था कि वो महुआ सीट से चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन लालू के बेटे तेज प्रताप की वजह से उसे सीट नहीं मिली। तो ये क्या मान लिया जाए कि बिहार में मेरिट घोटाले का मास्टरमाइंड बच्चा राय को पिछले विधानसभा के दौरान लालू प्रसाद यादव ने विधानसभा भेजने की तैयारी कर ली थी? अगर ऐसा हो जाता तो पुलिस की गिरफ्त में आया टॉपर घोटाले का मास्टरमाइंड बच्चा राय बिहार विधानसभा में होता। तेज प्रताप जी के लिए मैं जमीर तैयार कर रहा हूँ। अगर वे चुनाव किसी कारण से नहीं लड़ते, अपरिहार्य सिचुएशन में भी चुनाव लड़ने से वंचित हो जाते हैं, तो मैं ऑलरेडी इस क्षेत्र से अपने नेतृत्व की दावेदारी करूंगा और दावेदारी के साथ चुनाव लड़ूंगा। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी के कहने पर भी मैंने स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र चुनाव का ऑलरेडी नामांकन नहीं दे दिया। नामांकन देने से पूर्व उनके आदेशानुसार मैं उनसे मिला था और उनके कहने पर ही मैंने ऑलरेडी नामांकन से अपने आप को वंचित रखा। उन्होंने कहा कि आप आगामी विधानसभा का नेतृत्व करेंगे और पार्टी हमारी आपको टिकट देगी। दूसरी बात है कि हमारा कमिटमेंट था कि मैं महुआ से चुनाव लड़ूंगा, लेकिन उनके पुत्र की ऑलरेडी प्रमोट होने की स्थिति से उनकी घोषणा होने के पश्चात उन्होंने हमें कहा कि मैं पारू विधानसभा क्षेत्र से आपको लड़ाऊंगा।